सॉरी सर, लेकिन मैं आपको पैसे नहीं दे सकता। सर, सूर्यकांत जी का सख्त आदेश है कि आपको एक भी पैसा ना दिया जाए। जी वो, अगर आपको एतराज ना हो तो लड़का लड़की बात करना चाहते हैं, हम इन्हें कहीं बाहर भेज दें। आप मुझसे कुछ पूछना चाहती हैं तो पूछ सकती हैं। नहीं, कुछ नहीं। मैंने जो बात लड़के वालों से छुपाई है, कहीं वो सामने ना आ जाए। जानवी, अपने बारे में कुछ बताओ ना। हे भगवान, ये तो वही हो रहा है जिसका मुझे डर था। इस तरह मेरी बेटी की जिंदगी उजाले में आने से पहले ही अंधेरों में गिर जाएगी। आप तो सब कुछ जानते हैं ना मेरे। जानवी, जानवी बेटे, सब लोग अंदर तुम लोग का इंतजार कर रहे हैं। पंडित जी सगाई की तारीख निकाल रहे हैं, चलो ना अंदर। चले। लगता तो नहीं जैसे जानवी ने उसे कुछ बताया होगा। तुम्हारी बड़ी मेहरबानी भगवान। लड़का लड़की दोनों के ग्रह नक्षत्र के हिसाब से सगाई की जो पहली तारीख आ रही है वो आज से ठीक एक हफ्ते बाद की है। अगले हफ्ते? इतनी जल्दी? पंडित जी, आगे की कोई तारीख नहीं निकलती? इसके बाद की तारीख अगर आप चाहते हैं तो एक महीने से पहले की नहीं होगी। कम से कम तैयारी के लिए तो समय चाहिए ना। बहन जी, सगाई को हम इतना लंबा नहीं खींच सकते, एक महीना तो बहुत होता है। कहीं ज्यादा लंबा खींचने से इन लोगों को जानवी के अतीत के बारे में पता ना चल जाए। ठीक है बहन जी, सगाई अगले हफ्ते होगी, हम सारी तैयारियां कर लेंगे। मेरे ख्याल से मीनका ठीक कह रही है। अब्बा, आपको क्या लगता है? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है बेटा। नहीं जी, लेकिन सारी तैयारी तो... तैयारियों की चिंता मत करो, हम सब है ना, हम मदद करेंगे। हैं? तो ठीक है, सगाई एक हफ्ते बाद तय है। कंग्रेचुलेशन चार्ली। अब हमें इजाजत दीजिए, आखिर सगाई की तैयारियां हमें भी तो करनी है। हाँ हाँ, एक हफ्ता तो पलक झपकते ही निकल जाएगा। जी जी, अच्छा है। अरे बस बस, जीते रहो। बहुत खुश हूं मैं तुम्हारे लिए। देखना तुम्हारी शादी कितनी धूमधाम से करता हूं, सारा राजपीपला देखता रह जाएगा। अरे हाँ, बात सावित्री,
सात दिन बहुत कम होते हैं, एक हफ्ते में तैयारियां करनी है। चलो सावित्री, चलो जल्दी। वैसे दीदी, देखा आपने आज, लड़के की तो नजर ही नहीं हट रही थी हमारी जानवी से। हाँ तो हमारी जानवी है ही इतनी सुंदर। लेकिन दीदी, आपने एक चीज नोटिस नहीं की। क्या? आपको नहीं लगता लड़के की नाक टेढ़ी है? और हाँ, उसकी तो आंखों में भी डिफेक्ट है। क्या लक्ष्मी, क्यों सता रही हो जानवी को? दीदी मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, आप चाहो तो गौरी दीदी से पूछ लो। हाँ हाँ दीदी, लक्ष्मी बिल्कुल ठीक कह रही है। लड़का ऐसे घूर घूर के देख रहा था जानवी को, मुझे तो बिल्कुल भी संस्कारी नहीं लगा। देखो ना दीदी, लोग कैसे तंग कर रहे हैं मुझे। अरे क्यों सता रहे हो मेरी जानवी को, ऐसा मत करो। वैसे तुम सब ने शायद एक चीज नहीं देखी कि पूरे वक्त जानवी भी तो सिर्फ सिद्धार्थ को देख रही थी। दीदी आप ही, अरे जानवी, जानवी रुक तो। देख ले नीति, क्या बात है? कुछ नहीं दीदी, मैं ठीक हूँ। मुझे लगता है हमें आज ही डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने जो ये दवाइयाँ दी है उन्हें लेने के बाद नियति को बड़ा अनइजी सा फील होता है। देखिए दवाइयाँ बहुत स्ट्रांग हैं, कई बार ये कुछ लोगों को सूट होती है और कई बार नहीं। और आप लोगों की बातों से लग रहा है कि ये नियति को भी सूट नहीं हो रही है। तो फिर अब क्या कर सकते हैं हम डॉक्टर? ये दवाइयाँ आपको तुरंत बंद कर देनी चाहिए। लेकिन डॉक्टर, और कोई ट्रीटमेंट होगी, कोई और दवाई होगी, कुछ तो होगा। आई एम वेरी सॉरी, आपकी प्रॉब्लम के लिए यही एक लास्ट ऑप्शन है। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर। सारा दिन काम काम और बस काम, कभी झाड़ू कभी पोछा, खाना भी तब मिलेगा जब मैं पकाऊंगी। परेशान हो गई हूँ परेशान, गलती हो गई मुझसे कि मैंने कहा यहाँ आते हैं। अरे आराम से रसीली बाई, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। क्या खाक ठीक होगा? मैं चली कोठे पर, मुझे तुम्हारा नहीं पता। अरे रसील भाई, मैं कह रही हूँ ना सब ठीक हो जाएगा। आप ही ने कहा था ना कि वक्त कभी एक जैसा नहीं होता। अब आप देखना, बहुत जल्द वो ऐशो आराम की जिंदगी दोबारा हमारे कदमों में होगी। काम खत्म करो ना। ईश्वर, क्यों आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं? क्यों मेरा इम्तिहान पर इम्तिहान लिया जा रहा है? अगर मुझे खुशी देनी नहीं थी तो झूठी उम्मीद की किरण क्यों दिखाई? क्यों ईश्वर, क्यों दिखाई? युवराज, युवराज क्या हुआ? नियति, बच्चे का सपना हम दोनों ने साथ देखा था ना, है ना नियति? नियति, क्या होगा हमारे सपने का? ऐसा लगता है जैसे भगवान ने हमारे नसीब में बच्चे का सुख लिखा ही नहीं। यदि तुम समझ सकती हो ना मेरा दर्द, यदि मैं अपने बच्चे को गोद में उठाने के लिए, उसके साथ खेलने के लिए तरस रहा हूं,
मैं चाहता हूँ कि कोई मुझे पापा कहकर पुकारे। हो सकता है दवाइयों की वजह से ही इनको ये प्रॉब्लम हो रही है। ये दवाइयां आपको तुरंत बंद कर देनी चाहिए। चाहे ये दवाइयां मुझे सूट करे या नहीं, लेकिन तुम्हारी खुशी के लिए मैं ये दवाइयां जरूर खाऊंगी। ये पैसे युवराज गरोड़िया के लिए भेजे हैं। बापूजी, आपने मुझे बुलाया? हाँ, चलते जाओ, आओ अंदर, आओ बैठो। बेटा, तुम्हें याद होगा हमने एक अलग से अकाउंट खोला था जिसमें हम एक्स्ट्रा प्रॉफिट के पैसे रखेंगे जो वक्त जरूरत पर काम आ जाए। हाँ हाँ हाँ, याद है याद है। ये 5 लाख हैं, ये उस अकाउंट में डाल देना, आज ही डाल। एक्सक्यूज मी सर, ये देखिए सर, कोठारियन ब्रदर्स की फाइल है। कल जब आपने मुझे दी थी तब आपने कहा था कि बेहद इम्पोर्टेंट है और इसे आज हर हालत में कंप्लीट करना जरूरी है। हाँ, मैंने कहा तो था। देखिए, ऐसा कीजिए, मेरे टेबल पे जाके रख दीजिए, मैं कुछ जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, मैं आके देख लूंगा। सर प्लीज, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इसे आज ही भेजना है। क्या हुआ शिति? कुछ नहीं, बापू जी ने कुछ पैसे दिए थे बैंक में डिपॉजिट करने के लिए और ये मिसेस कोठारी की फाइल है, ये भी कंप्लीट करनी है। डोंट वरी शितुज, मैं बैंक की तरफ ही जा रहा हूँ, ये पैसे मैं जमा कर देता हूँ। ओके, ये लो 5 लाख रुपए डिपॉजिट कर देना। आइए। हेलो। हेलो, कौन? आपको किससे बात करनी है? जी वो, जी मैं जानवी से बात कर सकता हूँ? आप कौन? जी मैं वो, I'm सिद्धार्थ। आप जानवी से बात नहीं कर सकते। लेकिन 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 अगर आप चाहें तो आप अपनी साली से बात जरूर कर सकते हैं। जी वो, अरे भाई ये जीजी क्या लगा रखा है? मैं आपकी साली हूँ, मुझसे शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। आप होल्ड कीजिए, मैं अभी आपकी होने वाली पत्नी से आपकी बात करवाती हूँ। जी जानवी, जानवी, हाँ जल्दी आओ। क्या हुआ? अरे आओ तो। क्या हुआ? कौन है तुम्हारे लिए? कौन है? बात तो करो। इतना हंस क्यों रही है? हेलो। हेलो जानवी, आप कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? I'm fine. दरअसल मैंने फोन इसलिए किया था क्योंकि सगाई से पहले अगर हम एक बार अकेले में मिल लेते तो अच्छा होता। तुम्हारे साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहता हूँ, तुम्हें जानना चाहता हूँ। घर वालों को पूछना पड़ेगा। मुझे तुम्हारी हाँ का इंतजार रहेगा। ओके बाय, टेक केयर। ठीक है। नहीं, दरअसल वो हाँ हाँ मिलना चाहता है ना तुमसे। जाओ मिल लो। सच? मैं मिलने जा सकती हूँ? हाँ बिल्कुल जा सकती हूँ, है ना बा? जरूर। क्या बात है, सब लोग एक साथ और इतने खुश। सिद्धार्थ का फोन आया था,
जानवी से मिलना चाहता है। सिद्धार्थ जानवी से मिलना चाहता है, वो भी अकेले। हे भगवान, कहीं जानवी का अतीत उसको पता चल गया तो। लेकिन शादी से पहले मैं जानवी को उसे अकेले कैसे मिलने दे सकती हूँ? नहीं नहीं बा, ये हमारे रीति रिवाजों के खिलाफ है। मैं जानवी को उससे मिलने नहीं दे सकती। मेनका बेन, बदलते वक्त के साथ साथ रीति रिवाजों को भी बदलना चाहिए। इंसान को अपने आप को भी बदलना चाहिए ना। ठीक है, अगर मिलना इतना जरूरी है तो जानवी अकेले नहीं मिलेगी, मैं उसके साथ जाऊंगी। आप बच्चों में जाकर क्या करेंगी? नहीं सावित्री बहन, मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकती। आपको जानवी को अकेले भेजने में एतराज है ना, तो गौरी को उसके साथ भेज देते हैं। आप जाएंगी तो लड़के को अजीब लगेगा, अगर गौरी साथ जाएगी तो किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना आपको? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अगर जानवी के मुंह से कुछ उल्टा सीधा निकल गया तो उसके सारे सपने बिखर जाएंगे, वो पूरी तरह से टूट जाएगी। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी बेटी की खुशियों की रक्षा करो भगवान। Excuse me. मैनेजर साहब से कहिए कि करोड़िया इंडस्ट्री से युवराज करोड़िया है, मुझे कंपनी अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करवाने हैं। जी। Excuse me. Hello. सर, गरुड़िया इंडस्ट्रीज से मिस्टर युवराज आए हैं। उन्हें बिठाओ, मैं जरा ये मीटिंग खत्म करके फिर उन्हें अंदर बुलाता हूँ। ओके सर, आप थोड़ी देर वेट कीजिए, सर मीटिंग में हैं, अभी बुला लेंगे। ठीक। कचरी को फोन करके नमन के बारे में पूछना चाहिए। क्या बात हो सकती है, कचरी फोन क्यों नहीं उठा रही है? चलो सिटी हॉस्पिटल चलते हैं। चलो युवराज, सिटी हॉस्पिटल जाने की हमारी हैसियत नहीं है। हमारे बच्चे को ऐसी जगह पर रहने की आदत डालनी पड़ेगी। यू डोंट वरी मिस्टर मल्होत्रा, आई विल हैंडल द सिचुएशन। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर कमिंग, थैंक्स फॉर कमिंग। अरे युवराज जी, आई एम सॉरी, ये युवराज जी कहाँ चले गए? अरे रीटा, ये मिस्टर युवराज कहाँ चले गए? पता नहीं सर, अभी अभी तो यहीं थे। ये अच्छी रही मेरी जान, हद होती है। कहाँ है तुम्हारा युवराज? बड़े यकीन से कह रही थी कि फोन नहीं उठाऊंगी तो युवराज भी आएगा और उसके पैसे भी। अब ना तो युवराज आया ना उसके पैसे। ये पैसे रख और जल्द से जल्द एक नया घर खरीद लो।
देखा सूर्यकांत करोड़िया, तुम्हारे लाख मना करने के बाद भी कजरी का प्लान कामयाब हो ही गया। ले आया ना युवराज पैसे, तुम्हारे पैसे।